साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहिए और प्रकृति के साथ रहिए। ये आज आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर पौधा। इस पौधे को हम नाग चंपा कहते हैं। और नाग चंपा क्यों कहते हैं ये भी जान लीजिए कि देखिए इसके पौधे के पत्ते में ही कितनी सुंदरता है। और इसका आगे का ये देखिए बिल्कुल कोबरा स्नेक की तरह इसका फन होता है और इसका पत्ता भी काफ़ी बड़ा होता है। और करीब 2-2.5 साल से ये पौधा हमारे इधर लगा हुआ है और वेल हेल्दी है। और इसको इंग्लिश में प्लूमेरिया प्यूडिका और विडिल वॉकेट के नाम से भी जानते हैं। और इसको लगाना आप ये समझिए बहुत ही आसान है और बड़ी सुंदरता तो इसकी आप देख ही रहे हैं पूरे पौधे की। और क्योंकि 2 साल से हमारे इधर लगा है और वेल स्वस्थ है और मैंने प्लास्टिक के गमले में काफ़ी बड़े अच्छे गमले में इसको लगा रखा है और इसमें कोई इसकी मिट्टी में कोई जटिलता भी नहीं। साधारण मिट्टी लीजिए और उसमें मैंने लीप कंपोस्ट मिलाया है और नीम खली मिलाई है और कभी कभी मैं हल्दी का पाउडर का उपयोग करता हूँ, उससे जड़ों में कीड़े नहीं लगते। ये एक मैं ध्यान रखता हूँ। और देखिए इसमें फूल गुच्छे के रूप में आते हैं, बहुत ही सुंदर और कई दिन तक रहते हैं। बस ये है कि जो देसी चंपा है और इस चंपा में अंतर है, इसमें बस खुशबू नहीं है फूलों में, सुंदरता तो है, सुंदरता है। और देखिए आज आप प्रकृति का भी अच्छा हो, देखिए खूब बादल हैं और उन बादलों में तो इसकी सुंदरता और निराली हो जाती है। और ये देखिए बिल्कुल प्रकृति की सुंदरता ही समझो इस पौधे को आप। और ये मूलतः जो है पनामा कोलंबिया जो वेनेजुएला है वहाँ पे पाया जाता है, लेकिन पौधे का ट्रांजेक्शन चलता रहा, कभी कोई पौधे भारत आए, कई पौधे भारत से बाहर गए और उन्होंने वहाँ के वातावरण में अपना विकास किया, तो ये भी अच्छा विकसित हुआ है और अक्सर अच्छे पार्कों में और उसमें इनको आप लगा पाएंगे। ये पेड़ की तरह हो जाता है, अपने बगिया में ज़रूर लगाइए और अपने बालकनी में लगाइए और बहुत आराम से लग जाता है। इस तरह प्रकृति से जुड़े रहिए और विकास करते रहिए प्रकृति का और आनंद लेते रहिए। इसमें कोई कीड़े भी नहीं लगते, कोई फंगिसाइड या अन्य कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बार आप लगा लेंगे तो सुरक्षित लग जाएगा। और मूल देखिए हमने इसको बहुत आराम से कटिंग से भी लगा लिया है। ये आप देखिए कटिंग से हमने प्रोपोगेट किया, इसकी एक डाल टूट गई थी ये देखिए, और इसको मैंने फरवरी मार्च के महीने में लगाया था, अब इसमें पत्ते आ गए तो इसको प्रोपोगेशन भी इसका बहुत आसानी से हो जाएगा। छोटे से गमले में देखिए मैंने कटिंग के द्वारा 3 कटिंग करके लगा दिया था और करीब 5-5, 6-6 इंच, 7 इंच की मैंने कटिंग की थी और देखिए बहुत अच्छा लगा। कोई हमने इसमें हार्मोन्स वगैरह भी नहीं लगाया, विदाउट हार्मोन्स के ही ये कटिंग लग गई। और बस ये है कि बरसात में इसका विकास और भी अच्छा होता है और सर्दियों में ये डोमिसाइल उसमें चला जाता है। सर्दियों में थोड़ा डल हो जाएगा, फूल भी कम आते हैं और पत्ते इसके गिर जाते हैं और वरना जो है इसमें फूल गर्मी में बरसात में अब आते ही रहेंगे और नवंबर दिसंबर के बाद फिर बंद हो जाता है। तो बिल्कुल, और ये ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है, तो इसको बिल्कुल लगाइए और प्रकृति से जुड़े रहिए, हमारे चैनल से भी जुड़े रहिए और खूब ज्ञान प्राप्त करिए प्रकृति का और कमेंट के माध्यम से हमको अपनी जानकारी भी दीजिए। थैंक यू।